हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ लेक्चर ऑन सॉलिड स्टेट एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फोर्थ लेक्चर। ठीक है ना, तो आज हम लोग वही एक नज़र वाला पार्ट जो फोर्थ लेक्चर में एंड किया था, एक नज़र का पार्ट सेकंड स्टार्ट होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट रोल रखता है अपने पास। न्यूमेरिकल का लेक्चर कल से स्टार्ट होगा, तो न्यूमेरिकल्स में जो यूज फॉर्मूलाज होंगे वो सभी कहाँ से होंगे? इन्हीं लेक्चर से, फोर्थ लेक्चर और फिफ्थ लेक्चर से। ठीक है ना, तो हम लोगों का पहला और सेकंड एक नज़र हो गया था, आज हम लोग चलेंगे थर्ड एक नज़र की ओर। थर्ड एक नज़र में किसके बारे में पढ़ना? फॉर फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमने किसकी स्टडी की थी? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम बोल सकते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात की थी। ठीक है ना, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? जेड से। तो जैसा कि एफसीसी में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि एफसीसी क्या होता था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? कि दीज आर दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट एट द ऑल फेसेस। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कॉर्नर के साथ साथ सभी कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, और इसके साथ साथ कहाँ पे होना? सभी फेसेस पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दो क्यों दिखा रहा हूँ मैं? क्योंकि एक अबव वाला, एक बिलो वाला। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग Z की वैल्यू अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखते थे? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर कितने हैं? 8। इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, कॉर्नर के एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता? 1/8। फेसेस का कितने टोटल एटम? 6। और फेसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 1/2। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख के आए थे। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 8 से 8 वन टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 1+3, दैट मीन्स जेड की वैल्यू ध्यान रखनी है एफसीसी के लिए कितनी होती है? 4। हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है? एफसीसी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना लिया जाता है? 12। बात आती है कैसे, तो देखें एफसीसी में हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा इसको आराम से देखना बेटा। ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलना, इमेजिनेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं इस फेस पे कोई पर्टिकुलर एटम लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे तो फेसेस पर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है ना, तो एक तो लेयर मेरे पास ये बन जाएगी, एक ये 4 एटम्स की लेयर, और ये 4 एटम्स भी यहाँ कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें कॉर्नर के साथ साथ सभी फेसेस पर हो। तो हमने देखा कि एफसीसी में कॉर्नर के साथ साथ सभी 6 फेसेस पे है, तो ये पर्टिकुलर एटम मैंने लिया, इस पर्टिकुलर एटम को इसकी सेम लेयर के 4 एटम ये टच करेंगे। ठीक है ना, और इसके नीचे वाली जो ये लेयर के एटम है ये भी इसको टच कर रहे होंगे। और यूनिट सेल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन विच वैन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। तो इसका मतलब इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होगी, जैसे इस तरीके का एक और यूनिट सेल अगर रखा होगा तो उसके ये नीचे वाले जो एटम्स होंगे, मतलब इस तरीके से जो एटम्स होंगे वो भी क्या कर रहे होंगे? इसको टच कर रहे होंगे, वो भी क्या कर रहे होंगे? इसको टच कर रहे होंगे। तो ये 4 एटम, ठीक है ना, 4 एटम ये वाले, 4 एटम ये वाले, और 4 एटम अपने पास ये वाले,
इस पर्टिकुलर एटम को, ये इस जिस लेयर पे, ये जिस फेस पे, उसी सेम लेयर के चार एटम भी इसको टच कर रहे होंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और इसके जस्ट नीचे वाली लेयर और इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर, तो इस तरीके से कितने एटम इसको टच कर रहे हैं, 12। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता था हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन आप बताएं क्या होता था, पैकिंग फ्रैक्शन क्या बताया था, इट टेल्स अस अबाउट द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल एटम्स। तो हम लोगों ने वहां से ड्राइव किया था जेड इंटू 4/3, ठीक है ना, पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू। यहाँ से सिंस जो ए आर का रिलेशन था वो क्या था एफ सी सी के लिए, ए इक्वल 2√2r। यहां से जब हम इस रिलेशन को देखेंगे तो ए इक्वल क्या होता है, 2√2r, है ना। तो यहां से इसकी वैल्यू को पुट करें ऊपर वाली इक्वेशन, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आने वाला है जल्दी से देखें, और z की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, 4। अभी मैंने देखा z की वैल्यू क्या होती है, 4। तो पैकिंग फ्रैक्शन में z की जगह पर हो गया 4 × 4/3 पाई आर क्यू, और यहां हो गया 2√2r का होल क्यू, ठीक है ना। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करो, 4 × 4 = 16/3 पाई आर क्यू, और यहां 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, और √2 का क्यूब कितना होगा, 2√2, तो 8 × 2 = 16, ठीक है ना। और ये आर क्यू, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, तो ये √2 है बचा, और ये √2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे 3 है, तो ये पाई ऐसे ही रहेगा ऊपर, 3 कहाँ जाएगा, √2 के साथ, 3√2। अब पैकिंग फ्रैक्शन है तो ये आया, अगर मैं इसको परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूँ, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, तो यहाँ क्या लेके चलेंगे हम लोग, 100। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा तो पिछला लेक्चर जरूर देखें, तो यहाँ पे 100 लेके चलेंगे। अब इसके साथ पाई की वैल्यू 3.14 लिखी जाती है, 3√2 की वैल्यू 1.414 लिखी जाती है इंटू 100। इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 0. कितना आ जाएगा, 74 × 100, दैट मीन्स 74%। अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज ऑफ बॉयड की, बॉयड परसेंट की, तो बॉयड परसेंट क्या होगा, 100 माइनस क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ से 100 माइनस 74% अगर मैं लेके चलूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 26%। तो ये मेरा क्या है, बॉयड परसेंट, और ये क्या है मेरा, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग पैकिंग इफिशियंसी भी कहते हैं। तो यहाँ से पहले मैंने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखा जो 4 आया, इसको ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया, जिस एटम, पर्टिकुलर एटम की मैं बात कर रहा हूँ उसी सेम लेयर में 4 एटम, ये उसके जस्ट बिलो वाली लेयर, उसके जस्ट अबव वाली लेयर, क्योंकि ये रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर एटम को 12 एटम टच कर रहे होंगे, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 12, ठीक है ना। इसको इतने को स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे, मेरे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो चुका फॉर एफसीसी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोगों ने निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन भी आ चुका है 74%, परसेंटेज ऑफ बॉयड 26%। अब हम लोग देखेंगे क्या एक पार्ट और है अपने पास, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, एटॉमिक रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नाइबरिंग एटम। इसको समझें, एफसीसी को बनाते हैं सबसे पहले, ये मैंने एफसीसी बनाया, एफसीसी में हमारे पास एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे, ठीक है ना, और कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पर होते हैं। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 फेजेस ये हो गई, 5 अपर वाली, 6 बिलो वाली, ठीक है ना। तो दोनों मैंने फ्रंट पर दिखाए। अब मैंने देखा कि एफसीसी के लिए मुझे फेस वाला लेके चलना पड़ेगा, जैसे बीसीसी के लिए मुझे बॉडी वाला
एटम लेके चलना पड़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली मैं इसको मिला दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये एज लेंथ कितनी है ए, ये भी एज लेंथ कितनी है ए, सभी क्यूबिकल यूनिट सेल में एज लेंथ क्या थी, ए इक्वल वी इक्वल सी, तो ये सभी ए होंगी। एक्चुअल में ये ऐसा दिख रहा है, पर एक्चुअल में ये है कैसा है, अभी मैंने बताया था ये एटम सभी इसको क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होंगे, अभी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर में बताया था। तो मैंने देखा इसको ए कंसीडर कर लो, ठीक है ना, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए सी डी, अकॉर्डिंग टू द बोडाइन पाइथागोरस थ्योरम मैं बोल सकता हूँ कि ए सी स्क्वेयर इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास, ए डी स्क्वेयर, और प्लस का क्या होने वाला है, सी डी स्क्वेयर। तो ए डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर है, सी डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर है, तो बेटा ये कितना आ गया 2a स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर की वैल्यू 2a स्क्वेयर है, तो ए सी इक्वल क्या आ जाएगा, a रूट टू। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं बात करता हूँ ए सी की। तो देखो बेटा जो ए सी है, एक्चुअल में सभी एटम कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी इसको क्या कर रहे होंगे, ये भी इसको टच कर रहा होगा और ये वाला एटम भी इसको टच कर रहा होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ठीक है ना। तो जब इस एटम को ये दोनों टच कर रहे हैं, आइडेंटिकल हैं, ये छोटे बड़े दिखने में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, फेस वाला। तो फेस वाला ये तीनों एटम को मैंने देखा है, ये वाला एक एटम, ठीक है ना, जो ये फेस पे था वो ए बी सी। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, सेंटर टू सर्कमफेरेंस रेडियस, सेंटर टू सर्कमफेरेंस रेडियस, सेंटर टू सर्कमफेरेंस रेडियस, सर्कमफेरेंस टू सेंटर रेडियस। तो एक्चुअली में ये किसके बराबर आया है, ए से लेके सी तक, ये ए से लेके सी तक 4r के बराबर में आया। तो यहाँ से इन टर्म्स ऑफ रेडियस ए सी इक्वल 4r, इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ ए सी इक्वल a रूट टू। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे ए सी ए रूट टू इक्वल है, यहाँ पे 4r के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a रूट टू इक्वल 4r, यहाँ से a इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, 4 अपॉन रूट टू, है ना, r, इससे कैंसिल कर दो ये, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 रूट टू टाइम्स जाएगा r, ठीक है ना, रूट टू से 4 कितने टाइम्स जाएगा। अब मैंने कहा ये दिस इज द रिलेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। तो d क्या होता है, सिंस d बराबर होता है 2r, r की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 2 इंटू, यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, a अपॉन 2 रूट, इसको भूलेंगे नहीं आप, a 2, a इक्वल क्या होता है FCC के लिए, फेस पे क्या होती हैं आँखें, और एक आँखों के लिए पुराना गाना था ये काली काली आँखें, टू रू टू टू रू टू, तो टू रू टू टू रू टू, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a अपॉन टू रूट टू, यहाँ से a अपॉन रूट टू। पढ़ाई को सिंपल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वीडियो लेक्चर में क्या होता है, ज़्यादा लेंथी ना बने, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में भी चलता हूँ, जिससे आप जहाँ चाहें उसको वापस से देख सकते हैं, ठीक है ना। नोट्स प्रॉपर वे में बनाते रहिए और घर पर रह के पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। तो ये d और a का रिलेशन हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए आप एक बार, ठीक है। चलिए मैं रफ कर रहा हूं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए जो है वो रिलेशन है डेंसिटी का। तो अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही बनता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल बनता है, तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया गया उस चीज़ को देखेंगे, तो बहुत ही आराम से इस चीज़ को समझें। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, या हम एक दूसरे नाम से भी इसको बोल सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल। तो देखें, डायमेंशनल एनालिसिस बोलूं या मैं बोलूं यूनिट सेल की डेंसिटी को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो एक्चुअल क्या होती है, नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी किसकी, यूनिट सेल की, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर मैं बोलूँगा, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे आप,
मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब किसी भी यूनिट सेल का टोटल मास निकालना है, इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, क्या मतलब है मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब बेटा बताइए मास ऑफ यूनिट सेल, मास जो निकालना है वो सभी एटम्स का, मतलब एक यूनिट सेल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी का मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं उनके नंबर इनटू एक किसी एटम का मास, क्योंकि हम लोग जानते हैं एज्यूम दैट या कंसीडर दैट ऑल एटम्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दें, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, सभी एटम्स कैसे आइडेंटिकल एंड यूनिट सेल इज क्यूबिकल, क्यूबिकल यूनिट सेल अगर हो और सभी एटम्स अगर आइडेंटिकल हो तो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को या तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं या रो से रिप्रेजेंट करते हैं, अब डिपेंड कर रहा है आप डी से कर लें या रो से कर लें। तो मास ऑफ ऑल एटम्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, रो से भी कर सकते हैं या डी से, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम कैसा, यूनिट सेल कैसी है क्यूबिकल, तो क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे जेड से, मास ऑफ यूनिट सेल को मान लो स्मॉल एम से अपॉन ए क्यू। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से बहुत गहराई से समझना है, मैंने क्या किया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, यूनिट सेल की डेंसिटी। तो मास ऑफ यूनिट सेल में मैंने क्या लिखा, मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर सभी एटम्स आइडेंटिकल हैं और यूनिट सेल अपनी क्यूबिकल है तो क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू, और सभी एटम्स के मास को निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स देख लिए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो कि प्रेजेंट है वन यूनिट सेल में इनटू मास ऑफ वन एटम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ वन एटम को स्मॉल एम से। अब यहां से देखें, नाउ वी ऑल्सो नो दैट हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है 11th क्लास में छोटा मोटा, और अगर मोल कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना है तो हम लोग सॉल्यूशन में भी पढ़ेंगे 12th क्लास में। वी ऑल्सो नो दैट, बताइए वन मोल क्या होता है, सिंस वन मोल इक्वल क्या होता है, वन मोल जो होता है वो अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है और एम ग्राम मास होता है, क्योंकि एटम का मास क्या होता है एम ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में एम ग्राम। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ एनी एटम्स कितना हुआ बेटा, मास एनी एटम्स का मास कितना है एम ग्राम, देयरफोर मास ऑफ वन एटम के मास को हमने किससे कंसिडर किया था, मास ऑफ वन एटम स्मॉल एम से। तो अगर एनी एटम्स का मास कैपिटल एम है तो वन एटम का मास कितना हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन एनी ग्राम। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
ठीक है ना। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, मैं इसको रफ करना चाहूंगा जल्दी से, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल m इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो z इंटू स्मॉल m की वैल्यू क्या आई, कैपिटल m अपॉन na, ठीक है ना। ये मास ऑफ वन एटम है, मास ऑफ वन एटम कितना आया, कैपिटल m अपॉन na, तो अपॉन में ए क्यू। इसको सिंप्लीफाई करके रख लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो डेंसिटी इक्वल क्या आ जाएगा, z इंटू कैपिटल m अपॉन ए क्यू इंटू, ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आ गई। यहाँ पे बेटा D क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, Z क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, सिंपल के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है, FCC के लिए 4 होता है, हम लोग निकाल चुके हैं। M क्या है, एटॉमिक मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास लेके चलेंगे, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास लेके चलेंगे, ठीक है। Na क्या है, अवोगाद्रोज नंबर, ठीक है ना, और ए क्या है, एज लेंथ। अवोगाद्रोज नंबर हमेशा हम लोगों को पता है कि अवोगाद्रोज की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 या 6.022 या 23 इंटू 10 to the power 23। 22 भी लेके चल सकते थे पर मैंने 23 कर दिया, जिससे पावर और ये वैल्यू ध्यान रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये ठीक, तो एन ए क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जिस चीज को आपको समझना हो ये कहां से आया है, तो आप मूल कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स को देखें जाके, आपको पता चलेगा कि एन ए इक्वल ये वैल्यू कहाँ से आई, ठीक है ना। तो इतने ग्राम पर मोल हमारे पास एन ए क्या है, अवोगाद्रोज नंबर है, दिस इज अवोगाद्रोज नंबर। तो आज हम लोगों ने एफ सी सी के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालना सीखा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम किसके लिए, एफ सी सी के लिए, कंडीशन नंबर देखा जो कि 12 आया, ठीक है, Z की वैल्यू कितनी आई थी 4, कंडीशन नंबर 12, और ARD का रिलेशन देखा, A इक्वल टू रूट 2R, ठीक है, और क्या देखा हमने, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन जो कि 74% आया था, परसेंटेज ऑफ बॉयड 26% आया था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक देखा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कई सारे अपने कई बार हर बार, मतलब कि अगर डेंसिटी सॉलिड स्टेट से अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो इस चैप्टर से इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही आता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ में ये कल का जो पार्ट बचा हुआ था वो हमने किया, जो कि लेक्चर 4 था, उसी से रिलेटेड पार्ट था, लॉन्ग लेक्चर ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए हमने इस चीज़ को अभी आपको कराया। अब आपको क्या करना है, इन सभी को एक कॉपी पर नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ने हैं, जब जहाँ तक अभी तक मैंने स्टडी की है, जो कि अपन लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है, जिन जिन लेक्चर्स में, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आएंगे उन सब चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ठीक है, और पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि पढ़ने से हम लोगों को किसी ने नहीं रोका, ठीक है। अगर बेहतर बनना है तो पढ़ना होगा, ठीक है, देश को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।